साल की तरह इस साल भी मास इंटरनेशनल स्कूल में दावत इफ्तार का इंतजाम स्कूल के निदेशक मुजम्मिल हसन की ओर से किया गया। दावत इफ्तार में 500 लोगों ने की शिरकत, वहीं कई समाज सेवी के साथ कदावर नेता तक शामिल हुए। इस दावत इफ्तार में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी से लेकर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के सेक्रेटरी शारिक तक ने शिरकत की। मास इंटरनेशनल स्कूल में रमजानुल मुबारक के मौके पर दावत इफ्तार का इंतजाम भव्य तरीके से किया गया। वहीं मास इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक ने कहा, यह खुशगवार माहौल है, जब से यह स्कूल बना है तब से दावत इफ्तार का इंतजाम किया जाता रहा है और हिंदू मुस्लिम एक साथ एक दस्तरखान पर लुत्फ उठा सकें और एक दूसरे से मिलें, दुआएं दें और इसी तरीके से हर साल आयोजन किया जाना है। खुशगवार माहौल है और पुरौनक पुरनूर जो भी कह सकते हो आप, ऐसे माहौल को जहाँ अल्लाह की बरकत होती है, आज अफ्तार के एहतमाम मास इंटरनेशनल स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी किया गया है। जब से ये स्कूल कायम हुआ तब से ये एहतमाम किया जाता है ताकि लोग यहाँ अफ्तार करें और हिंदू मुस्लिम का एक संगम है, सब लोग आके बैठे, एक दूसरे को दुआएँ दें, एक दूसरे से मिले, ये पर्पस हम लोगों का होता है। मुसलमान अपना रोज़ा खोलते हैं, अब गैर मुस्लिम भी आते हैं तो वो भी इंजॉय करते हैं, वो भी दुआएँ करते हैं कौम के लिए, मिल्लत के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए। यह कितने लोगों का आप लोग इंतजाम करते हैं हर साल? लगभग 350 से 400। अरे 300-400 जी। तो यहाँ पे जो आज आपके कोई मेहमान खसूस? मेहमान खसूस तो कोई नहीं होते, सारे हमारे मेहमान जो रोजेदार हैं वो हमारे मेहमान खसूस। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मुजम्मिल हसन, डायरेक्टर मास स्कूल। फातमी साहब वगैरह भी हैं, खसूसी हमारे सब हैं। देखिए, मास इंटरनेशनल स्कूल ये एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल है और इधर हमारे यहाँ सब कौम के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और हम आज एक दावत इफ्तार का अरेंजमेंट स्कूल के तरफ से किया गया है। यहाँ सभी कोई मिलके एक साथ मतलब जो फूड का अरेंजमेंट किया गया है वो ले रहे हैं और ये एक भगवान का बोलिए ब्लेसिंग्स फॉर दैट रीज़न यही ये चीज़ हम इधर अरेंजमेंट किए गए मतलब अरेंजमेंट किया गया है और काफ़ी 500 के आसपास लोग के अरेंजमेंट किए गए हैं और सभी को इधर आ रहे हैं और हम सब एक साथ बैठ के एक यूनाइटेड वे में किस तरह से मतलब एक यूनाइटेड वे में ये मतलब ये दावत इफ्तार एक साथ लिया जा रहा है और इसी के चलते हम ये अरेंजमेंट किए। देखिए, ये तो एक यूनिटी है, हम सब एक हैं। हम यही बोलना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं है, हम लोग सब एक हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये एक भगवान का बोलिए एक ब्लेसिंग है जो कि हमें ऊपर से मिल रहा है और सभी को एक साथ मिल बांट के ये ब्लेसिंग्स हम लोग ले रहे हैं। मैं सुपर्णा शाह, प्रिंसिपल ऑफ मास इंटरनेशनल स्कूल।